सर्दियों के मौसम में गरीब बेसहारा लोगों और खुले में सोने वाले लोगों को ठंड से बचाने के लिए हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रदेश के 13 जिलों में 40 रैन बसेरा बनाए गए हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव डीआर शर्मा ने बताया कि सर्दी को देखते हुए प्रदेश के अन्य जिलों में भी अब रैन बसेरे खोलने के आदेश दिए गए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के स्वयं सेवक जगह जगह जाकर खुले में सो रहे लोगों को रैन बसेरा में लेकर आते हैं। रैन बसेरों में कोरोना के मानक नियमों का भी पालन किया जा रहा है। देखिए, हरियाणा रेड क्रॉस हमेशा ही सर्दी के टाइम में जो लोग बाहर खुले में सोते हैं उनकी मदद हमेशा करती रहती है। हमारे पास बहुत अच्छे वॉलेंटियर हैं जो कि हमेशा हमारी इसमें मदद करते हैं, इस अभियान में। हमने अभी बहुत से डिस्ट्रिक्टों के अंदर कंबल भी भेजे हैं और सभी डिस्ट्रिक्टों को बता दिया गया कि ठंड से बचाव के लिए हमारे से कंबल मंगवा लें और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंबल पहुंच जाएंगे। और कुछ एनजीओज की मदद से भी हमें कंबल प्राप्त हुए हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेज को पहले से सीधे रूप में मिल गए हैं। और हमारे पास क्योंकि 40 रैन बसेरे हैं, इसके साथ साथ बाकी जिलों के अंदर जो 5-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर रैन बसेरे स्थापित नहीं किए हैं उनको भी दिशा निर्देश दे दिए हैं, प्रशासन की तरफ से भी उनको दिशा निर्देश मिल गए हैं। रैन बसेरों में ठहरने वाले लोगों ने बताया कि ये प्रशासन की अच्छी पहल है। उन्होंने बताया कि रैन बसेरों में बिस्तर, गर्म पानी, भोजन और साफ सफाई की भी व्यवस्था की गई है। मैं कहीं से जा रहा था, वहाँ आने में लेट हो गया तो मैं देखा कि बस नहीं थी तो मुझे ठंडी में बहुत परेशानी हो रहा था। मुझे पता चला कि यहाँ कोई सरकार ने रैन बसेरा खोल रखा है, इसलिए मैं आया यहाँ आकर के। तो कोई पैसा वैसा कुछ नहीं और 19वीं कोविंद की यहाँ पालन होता है, हर चीज़ सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम है यहाँ। वहाँ पे सर बहुत अच्छा महसूस लग रहा है जी, रोड के ऊपर मतलब कि हमारे थोड़ी ठंड में यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी लग रही है सर, और यहाँ पर आपके हमारे सेफ महसूस कर रहे हैं।